जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी जो 2018 में किया तो उस पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसमें आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको देखना है कि किस वजह से क्लियर नहीं हुआ, आप कहाँ पे जो है वो कमियाँ रह गई, किस एरिया पे आपको फोकस करना चाहिए। ऐसा होगा कि हर बार का प्रीलिम्स आपको नया लगेगा, क्योंकि यूपीएससी ट्राई करता है कि पैटर्न जो है वो एस्पिरेंट्स नहीं पहचान पाए, नए पैटर्न का क्वेश्चंस वो देगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से करना है, आपको बार बार रिवाइज करना है और ब्लंडर्स जो है वो कम से कम करना है एग्जामिनेशन हॉल में। सो आप बार बार उस चीज़ को करें, आप अपने कमियाँ को जानें और तैयारी अच्छे से करें, और जो प्रीलिम्स है उसमें ब्लंडर्स आपको अगर एग्जामिनेशन में कम करना है तो थोड़े मॉक पेपर्स अच्छे से आप प्रीलिम्स से पहले लगाएं। और सिमिलरली मेंस के लिए भी, जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट जैसे आप जिस दिन देते हैं तो आप मेंस का रिजल्ट का वेट ना करें कि मेंस का रिजल्ट, प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा। प्रीलिम्स जैसे ख़त्म होता है आप मेंस की तैयारी करें, हो सकता है इस बार प्रीलिम्स ना हो, लेकिन अगर आप मेंस की तैयारी एक बार करते हैं तो अगले अटेम्प्ट में बहुत आपके लिए आसान हो जाता है फिर से मेंस की तैयारी करना। सो प्रीलिम्स 2019 में 2 जून को था, मैं 3 जून से जो है ऑलमोस्ट 3 या 2 जून को था और मैं अगले दिन से तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि 2019 में प्रीलिम्स से पहले मैं मेंस की तैयारी उतना अच्छे से कर नहीं पाया था, 20-30% की सिलेबस कवर कर पाया था। तो याद रखें कि अगर एक बार आपका प्रीलिम्स होता है और अगर आप 100% देते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मेंस में क्लियर करने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। फिर उस साल मुझे 290 रैंक आया और मैं भारतीय रक्षा लेखा सेवा में जो है वो उसमें मेरा चयनित हुआ, उसमें मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी। सो वहाँ पे जो प्रीलिम्स और मेंस का जो टाइम है उसमें आपको बस पढ़ना ही है, पढ़ाई के अलावा आपको कम से कम डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए। आप 9-10 घंटे करके पढ़ें, थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक लें और एफिशिएंसी पे वर्क करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक टॉपिक बहुत लंबा पढ़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्टडी स्लॉट्स को 1 घंटे में पढ़ता था, लेकिन 55 मिनट या 50 मिनट पढ़ता था, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेता था हर घंटे। सो इस तरीके से आप डिवाइड करें, आप एफिशिएंसी पे काम करें और जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। और उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन तैयारी कंटिन्यू रखें। जैसे मेरा 9 सितंबर को इस बार इंटरव्यू था और 24 सितंबर को रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन भी मैं अगले प्रीलिम्स जो कि 10 अक्टूबर को होने वाला था उसकी मैं तैयारी कर रहा था।